दोस्तों आज हम आपके लिए टेक न्यूज का #8 बहुत दिनों के बाद वापस से लेकर आ गए हैं और कोशिश करेंगे इस बार कंटिन्यू अपने टेक अपडेट्स डेली अपलोड करने की या फिर कहें डेली आपको टेक से अपडेट रखने की। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेक एपिसोड 8 की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल टेक वर्ल्ड। एक बात याद रखिएगा, वीडियो में जो भी टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप एक बढ़िया सा कैश प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की फटाफट पहली न्यूज की तरफ। पहली न्यूज है रियलमी का नाजो 70 सीरीज इंडिया की मार्केट में लॉन्च हो गई है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है मीडियाटेक के प्रोसेसर्स और साथ ही साथ में 5000 mAh की धमाकेदार बैटरी स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है। अगर आपको बाकी डिटेल वेरीफाई करनी है तो आप वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं कि इसमें हमें क्या क्या स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन काफी बजट फ्रेंडली ये स्मार्टफोन सीरीज होने वाली है क्योंकि रियलमी काफी बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन अपनी सीरीज में निकालता आया है और उसी में ये एक बेस्ट सीरीज हो सकती है बजट फ्रेंडली में। कैमरा भी काफी कमाल के होते हैं बजट के अनुसार। तो रियलमी 70 सीरीज इंडिया के मार्केट में 24 तारीख को लॉन्च हो गई है। अगर आप भी रियलमी खरीदने वाले पर्सन हैं तो जाके एक बार इस फोन को चेकआउट अवश्य कीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें हम सेकंड न्यूज की, तो इंडिया के मार्केट में आए दिन नए एयरपोर्ट्स लॉन्च होते जा रहे हैं। हर दिन एक नई कंपनी इंडिया के मार्केट में अपने एयरपोर्ट्स का भी लॉन्चिंग करती आती है। कोई ना कोई कंपनी इंडिया में अपने एयरपोर्ट्स लॉन्च करती रहती है। जैसे जैसे महीने बीतते हैं वैसे वैसे हर एक नई कंपनी इंडिया में अपने एयरपोर्ट्स उतार रही है। इंडिया की जनसंख्या और पॉपुलेशन ही इतनी है कि हर कोई कंपनी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अभी एक कंपनी है सेनहाइजर मोमेंटम, इसने भी अपने एयरपोर्ट्स इंडिया के मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, जो कि है 2x4 विद अडेप्टिव ANC हमें इसमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी की तरफ से दावा है कि 30 आवर्स का बैटरी बैकअप इन एयरपोर्ट्स में हमें देखने को मिल जाएगा सेनहाइजर मोमेंटम 2x4 में। तो हर दिन एक नई कंपनी इंडिया के मार्केट में लॉन्च होती जा रही है एयरपोर्ट्स के मुकाबले में, लेकिन जो क्वालिटी है वो मुझे कुछ खास नहीं लगती है। आपकी क्या राय है, आप ईयरपोड्स खरीदना पसंद करते हो या फिर हेडफोन्स खरीदना पसंद करते हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। दोस्तों अगर हम बात करें आज की थर्ड न्यूज की, तो इन्फिनिक्स GT20 Pro 5G के कुछ स्पेक्स रेंडर्स हमारे सामने आए हैं, जिसमें है कि इसमें हमें 5000 mAh बैटरी देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ में 45W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। इसमें हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है वो होने वाला है Dell ZT 8200 SoC हमें इसमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में अगर प्राइस की बात करी जाए तो हो सकता है कि 20,000 से 23,000 या 24,000 के प्राइस के बीच में हमें ये स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिखे। वैसे भी इन्फिनिक्स काफी बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन अपने मार्केट में लॉन्च करता आया है। लेट्स सी इसका प्राइस हमें क्या देखने को मिलता है और क्या इन्फिनिक्स स्मार्टफोन खरीदने के बारे में आप सोचते हैं या आप चाहते हैं कि उसके ऊपर एक रिव्यू बनाई जाए, वीडियो बनाई जाए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको इन्फिनिक्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए, जिससे कि आपको आइडिया हो क्या इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन आपको खरीदने चाहिए या फिर नहीं। हम जरूर कोशिश करेंगे इन्फिनिक्स के ऊपर एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाने की। दोस्तों अगर हम बात करें आज की फोर्थ न्यूज की, तो Xiaomi की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रही है कि Snapdragon का 8th जनरेशन 4 का पावरफुल प्रोसेसर हमें सबसे पहले Xiaomi के 15 सीरीज में देखने को मिल सकता है OnePlus और IQ से पहले। हाल ही फिलहाल में Xiaomi ने अपनी 14 सीरीज लॉन्च की थी, उसमें उन्होंने चिपसेट दिया था Snapdragon का 8th जनरेशन 3 का प्रोसेसर, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है अपने आप में। लेकिन अभी Snapdragon 8th जनरेशन 4 का प्रोसेसर मार्केट में आ गया है और सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें किस डिवाइस में ये देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है कि OnePlus और IQ से पहले Xiaomi अपने स्मार्टफोन 15 के साथ इसको लॉन्च करते। जी हाँ, Snapdragon 8th जनरेशन 4 का चिपसेट Xiaomi के 15 सीरीज में हमें देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि OnePlus और IQ से पहले Xiaomi अपना ये स्मार्टफोन भी लॉन्च कर। आपकी क्या राय है कि Snapdragon या फिर Dell ZT, आप इन दोनों में से किसको जो है ज्यादा प्रेफर करते हैं? और तीसरा है Exynos, इन तीन प्रोसेसर ब्रांड में से आप किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। दोस्तों अगर हम बात करें आज की फिफ्थ न्यूज की, तो WhatsApp अपने इन ऐप डायलर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, एक ऐसा फीचर जिससे कि आप अनसेव्ड नंबर्स पे भी WhatsApp के थ्रू कॉल कर पाएंगे। अब डायलर क्या होता है, डायलर होता है जब आप किसी को कॉल लगाते हैं तो आप एक डायलर पैड के थ्रू ही कॉल लगाते हैं, उसमें आपका नंबर सेव है या नहीं है आप डायरेक्ट कॉल किसी को भी लगा सकते हैं। लेकिन WhatsApp में ऐसा फीचर नहीं है, पहले हमको नंबर सेव करना पड़ता है, उसके बाद ही हम WhatsApp से वॉइस कॉल या वीडियो कॉल किसी को कर सकते हैं।
लेकिन अभी व्हाट्सएप इस चीज के ऊपर वर्क कर रहा है और वो इन ऐप डायलर बनाने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा डायलर जो कि व्हाट्सएप के अंदर इनबिल्ट होगा और आप किसी भी नंबर पे डायरेक्ट बिना नंबर सेव किए किसी के भी व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर पाएंगे उस डायलर के थ्रू। मतलब आपको नंबर सेव भी नहीं करना पड़ेगा और बिना नंबर सेव किए आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे किसी को भी कॉल कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए जो डायलर लगेगा उसके ऊपर भी काम जारी है और हो सकता है कि जल्द ही हमें एक किसी अपडेट में व्हाट्सएप का ये फीचर हमें देखने को मिले। तो ये आई थिंक काफी अच्छा काम कर रहा है क्योंकि कई बार होता है हम कोई नंबर सेव नहीं करना चाहते हैं लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू उनको कॉल लगानी होती है तो पहले नंबर सेव करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों बात करें आज की सिक्स्थ न्यूज की, तो IQ Z9 सीरीज आज मार्केट में लॉन्च हो गई जिसमें हमें काफी पावरफुल 6000 mAh की काफी बिग बैटरी देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें प्रोसेसर्स की तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन के काफी बड़ी और तगड़े तगड़े प्रोसेसर देखने को, जैसे कि बात करें तो IQ00Z9 की सीरीज में हमें देखने को मिल रहा है 8S Gen 3 का प्रोसेसर। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का प्रोसेसर हमें IQ Z9 की सीरीज में देखने को मिल रहा है। 6000 mAh की काफी बिग बैटरी में हमें देखने को मिल रही है। प्राइस की अगर बात करी जाए तो 23 से 30,000 के बीच में इस सीरीज की प्राइस है। जी हाँ, अगर आप भी IQ रिलेटेड डिवाइस खरीदना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो आप एक बार Z सीरीज को जरूर चेकआउट करें। लेटेस्ट डिवाइस है और काफी दमदार और काफी धमाकेदार प्रोसेसर हमें इस डिवाइसेस में देखने को मिल रहे हैं। IQ Z9 सीरीज 6000 mAh बैटरी विद स्नैपड्रैगन के पावरफुल प्रोसेसर के साथ आज 25 अप्रैल को लॉन्च हो गया है। अगर हम बात करें आज की 8th न्यूज की, तो ओप्पो के A64G स्मार्टफोन के रेंडर्स भी सामने निकल के आए हैं जिसमें हमें फर्स्ट रेंडर है कि इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 680 SoC प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ में इसमें हमें 45W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी टाइप सी के साथ। कुछ दिन पहले गूगल प्ले कंसोल की लिस्टिंग में भी इसको देखा गया था, तो हो सकता है कि जल्द ही मार्केट में ओप्पो A64G लॉन्च हो सकता है। और इसकी अगर प्राइस की बात करी जाए तो जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो रहेगा 9000 से नीचे नीचे ही ये डिवाइस अभी मार्केट में देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट में आने के बाद देखते हैं कि क्या इसके ऊपर रिव्यू वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों बात करें आज की 9th न्यूज की, तो ओप्पो का K20 5500 mAh बैटरी के साथ मार्केट में लॉन्च हो गया है जिसमें हमें काफी तगड़ी 100W की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। प्रोसेसर की अगर इसमें बात करें तो स्नैपड्रैगन का नाम जहां हर जगह छाया हुआ है, इसमें भी हमें स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 का प्रोसेसर, काफी धमाकेदार प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। ये चाइना में लॉन्च हुआ है। जी हाँ, ओप्पो का K12 5500 mAh बैटरी के साथ 100W की फास्ट चार्जिंग के साथ चाइना के मार्केट में ये डिवाइस लॉन्च हुआ है, तो हो सकता है कि जल्द ही एक नए नाम के साथ हमें ये डिवाइस इंडिया के मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। क्या आप चाहते हैं कि ओप्पो अपने स्मार्टफोन इंडिया के मार्केट में लॉन्च करे? क्या आपको ओप्पो स्मार्टफोन पसंद है? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि आपकी कमेंट ओप्पो के ऊपर क्या राय है। दोस्तों बात करें आज की 10th न्यूज की, तो iPhone 15 अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस टाइम ये टाइम आपके लिए बेहतर टाइम हो सकता है iPhone 15 खरीदने के लिए। जी हाँ, Flipkart के ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जा रहा है iPhone 15 सीरीज के ऊपर, जिससे कि आपको एक डिस्काउंट का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आप iPhone 15 खरीदना चाहते हैं तो Flipkart ने अपने 15 सीरीज के ऊपर थोड़े से प्राइस लो किए हैं और आप एक बेहतर दाम में iPhone 15 में से कोई भी डिवाइस खरीद सकते हैं, तो ये एक आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो यही थी आज की 10th और लास्ट न्यूज। अगर आप डेली ऐसे ही टेक्स अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लीजिए। बाकी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आप जीत पाएंगे 10 से 1000 रुपए तक का कैश प्राइज डायरेक्टली UPI के जरिए अपने बैंक अकाउंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।